आपके अपने प्रोग्राम फोर स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी, मैं हूं मुस्तफा शेख, मैं हूं अब्दुल मनान, मैं हूं यूसुफ बुखारी। जी मुस्तफा भाई, पर्सनैलिटी इन्होंने हमसे पूछनी है और हमने बूझनी है। रेडी हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। जी जिंदा? जी जिंदा। जो शख्सियत है जी वो जिंदा है, ठीक हो गया। और दूसरा मर्द? जी मर्द। जी मर्द पर्सनैलिटी है जी। और तीसरे एशियाई? नहीं नहीं, एशियाई नहीं है जी, एशिया क्रॉस हो गया। अच्छा जी, चौथा है जी, यूरोप से ताल्लुक है जी? नहीं, यूरोप से भी ताल्लुक है। तब अमेरिका से ताल्लुक है जी, यानी यूएसए से? जी यूएसए। ओके ओके जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है? नहीं। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? नहीं। शो बिज से ताल्लुक है? जी जी। अदाकार हैं ये? एक मिनट रुकिएगा, आठवां सवाल है। नौवां सवाल मैंने पूछा आपसे अदाकार का, और नौवां सवाल आपने क्या पूछा जी? अदाकार। उनकी वजह शोहरत अदाकारी है। जी जी जी। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। लें जी, तो ये हमारे 9-10 सवाल तो होते हैं एक रूटीन के। उम्र 50 साल से ज्यादा? नहीं नहीं। 40 साल से ज्यादा? जी जी। ठीक, तो 40 से 50 के बीच में एक अदाकार जो अमेरिकन है जी। अमेरिकन अदाकार 40 और 50 साल के बीच का, ये निकल गया जनाब रिपोर्ट। बंदे तक तो हम पहुंच गए। एक ऐसा बंदा जो 40 से 50 साल के दरमियान है और अमेरिका में रहता है। रहता पता नहीं कहाँ है, लेकिन अदाकार है, अमेरिकन अदाकार है और जन्मभूमि उसकी वहां की है। ठीक हो गया जी, अब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, तो उसके लिए आप लोग रेडी हैं? जी जी, क्योंकि वो बड़े शार्प किस्म के क्वेश्चन होंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। अच्छा, अमेरिकन अदाकार, ओके। अब यकीनन आपने पूछे हैं मशहूर मशहूर अदाकार, और मशहूर मशहूर अदाकारों के अंदर 40 और 50 के बीच में जो मेरा सबसे हॉट फेवरेट है रोनाल्डो डिकैप्रियो, वो तो 50+ नहीं है, तो आपने क्यों कोई और अदाकार पूछा? वो पूछे जो मेरा फेवरेट है यार सबसे ज्यादा। जी, आपसे वही पूछेंगे जो आपका फेवरेट है। तो और क्या। अच्छा जी, खैर फिर भी हम डिकैप्रियो की एज जरा निकालें सर, डिकैप्रियो की, रोनाल्डो डिकैप्रियो, और बाकी तो सारे रूल आउट हो गए जो ऊपर वाले थे ना, ऊपर वाले, थॉम्सन हो गया और हैरिसन फोर्ड हो गया, ब्रूस विलिस हो गया, निकोलस केज हो गया, सब गए, साफ हो गए जो मेरे फेवरेट रहे हैं। विन डीजल वगैरह जो है उनको हम देख लेते हैं। तो जो फेवरेट है मेरा बंदा, वो एज तो यहीं बीच में ही फॉल कर रही है। एक सवाल पूछते हैं तो बात खत्म हो जाती है। टाइटैनिक का मेन रोल इन्होंने अदा किया जी? जी जी। आपने रोनाल्डो डिकैप्रियो पूछा है और इतना ऑब्वियस वाकई पूछ के गलत दिया। थोड़ा सा इजी रखूं जब मुल्क से बाहर निकलूं, खासतौर पर इसने रोना पिटना डालना होता है। इसका पहला स्टांस ये होता है, एशिया खत्म हुआ, आपने देखा क्या कहता है? इसके अलावा तो मैं किसी को जानता नहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूं। बहुत अच्छे खासा। और अगला सवाल करता है, वांटेड फिल्म में काम किया मैं उसने। मतलब मैंने फुटबॉलर पूछ लिया जो मतलब मुझे दो ही नाम आते हैं। अच्छा, मैंने वो ही पूछना है, मैंने सोच के कि यार जो इसको आता हो वरना मसला बन जाएगा। सर हमें जरा इनकी डिटेल्स बताएं। और वैसे मैंने 1974 एज, यानी 74 में पैदा हुए, 47 एज है इनकी। 1989 से अब तक ये अदाकारी कर रहे हैं। लास्ट मूवी जो इनकी आई थी वो डोंट लुक अप जो हमने देखी, उसका हमने रिव्यू भी किया था, उसका लिंक यहाँ पर आ रहा होगा तो आप लाजमी देख लीजिएगा। बाकी ये टाइटैनिक के हवाले से तो इनको सब, इनका लीडिंग रोल रहा था उसमें। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ये पैदा हुए थे। इनको अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट लीडिंग रोल के तौर पर भी इनको अवार्ड मिले हुए हैं। रेवेनेंट मूवी थी जी, और इनको और भी बेताजा अवार्ड मिले हुए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं बताने लगूंगा तो ये बहुत लंबी लिस्ट है इनके अवार्ड की। बाकी ये है कि ये बहुत अच्छे अदाकार हैं, डेफिनेटली बहुत फेमस है, मशहूर। अच्छा, आपको डोंट लुक अप कैसी लगी? वो मैंने किसी यहाँ लिंक करा है, वहां जाके देख लें।
वैसे आमिर खान जो है वो अवार्ड्स में नहीं जाते, इसी तरह रोनाल्डो डिकैप्रियो भी अवार्ड्स में नहीं जाया करता था। फिर ये हुआ कि इसको और जिन मूवीज पे से अवार्ड मिलना चाहिए था, मिस्टर गैट्सबे पर मिलना चाहिए था, वुल्फ ऑफ एलम स्ट्रीट, जो वो वुल्फ स्ट्रीट, ये कौन सी स्ट्रीट है यार, सॉरी, जहां पर बिजनेस होता है पूरी दुनिया का, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, हाँ वॉल स्ट्रीट, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट पर मिलना चाहिए था, उस पर नहीं मिला, और इनको मिला रेवेनेंट पे, जिस पे उस पे भी मिलना चाहिए था, ड्यू अवार्ड था जो मिला। तो आउटस्टैंडिंग जनाब अदाकार। बाकी मैं अपना बता देता हूं तब तक कि जो मैं रिकमेंड करूंगा, हाँ, जो मेरी फेवरेट मूवीज है इनकी, उसमें इंसेप्शन मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, शटर आइलैंड मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, उसके अलावा कैच मी इफ यू कैन इनकी बहुत अच्छी मूवी है जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, और इसके अलावा मुझे, मैंने टाइटैनिक तो डेफिनेटली सबको ही जो है ना, तो ये कुछ मेरी इनकी फेवरेट मूवीज हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। तो जनाब आज की कसौटी का इतनी अच्छी शख्सियत के साथ ही डिस्क्लोज होने पर इख्तिताम करते हैं, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी कसौटी आपको कैसी लगती है, अपना इनपुट ज़रूर दें, और अनकरीब इंशाल्लाह हम आपको प्लेसेस की कसौटी जो है वो ज़रूर इंजॉय करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, मुस्तफ़ा इजाज़त लीजिए, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।